मेरा नाम रविंदर है, इनका नाम सहाना है और ये बरेली में एक बार फिर प्रेमी युगल का मामला आया सामने। आपको बता दें कि बितरी चैनपुर के सैदपुर कुमरिया गांव में एक युवक की आंख सहाना नाम की लड़की से लड़ गई, जिसके बाद लड़की वालों को पता चला तो लड़की के घर वालों ने लड़की का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। आपको बता दें कि लड़की मौका देखते ही अपने प्रेमी के पास पहुंच गई, जहां पर प्रेमी ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल कर बरेली एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। मेरा नाम रविंदर है, इनका नाम सहाना है और ये हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो ये कल अपने घर से बिन बताए घर पे बिना बोले कल घर से निकल आई थी, तो ये मेरे पास आ गई हैं और ये बोल रही हैं कि हमें शादी तुमसे ही करनी है। तो मैंने जो भी मुझे अच्छा लगा, जो भी मुझे प्रोसेस अच्छा लगा, मैंने कहा थाने चल रहे हैं, तो हम थाना इंचार्ज बिथरी चैनपुर के पास जा रहे हैं और एसएसपी महोदय से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे मामले को धर्म के आधार पर ना देखा जाए, हमें इंसानियत के आधार पर देखा जाए और इंसानियत के ही आधार पर हमारा फैसला किया जाए। कृपया हमारा सहयोग करें, जो भी होगा हम थाना अध्यक्ष जी को पूरी घटना की जानकारी देने जा रहे हैं। दिनांक 20/6/2021 को समय करीब 2 बजे सहाना पुत्री बदाम बख्श एवं रविंद्र पुत्र स्वर्गीय कृष्णपाल थाना बिथरी चैनपुर आया। इन दोनों के द्वारा बताया गया कि अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं और दोनों बालिग हैं। उक्त सूचना पर थाना बिथरी चैनपुर के द्वारा दोनों के परिजनों को सूचित किया गया। दोनों के परिजन थाने पर आए। लड़की के जो पिता हैं बदाम बख्श, इनके द्वारा थाने पर लिखित रूप से यह बताया गया कि सहना की उम्र करीब 20 वर्ष है और यह बालिग है, अपनी मर्जी की मालिक है और ये जहां शादी करना चाहे वहां शादी कर सकती है, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, हम इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते हैं और भविष्य में हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। उधर दूसरे पक्ष जो लड़का है, लड़के के परिजन भी थाने पर आए थे, उनके द्वारा भी यह बात बताई गई कि रविंद्र की उम्र करीब 22 वर्ष है, वो बालिग है, अपने मर्जी का मालिक है, वो जिससे चाहे उससे शादी कर सकता है, हमें इस शादी से कोई आपत्ति नहीं है और हम इसमें किसी पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते हैं।